दिवाकर पॉल जी है, गुवाहाटी से आए हुए हैं। इनके नी में फ्रैक्चर हुआ था 1 साल पहले, और उस पे स्क्रू लगे हुए थे, पर घुटना जो है वो कार्टिलेज डैमेज भी हो गई है, और घुटना सीधा भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये अराउंड अबाउट 30 डिग्री बेंड है ना, तो ये सीधा भी नहीं हो रहा है। बेंडिंग जो है वो सिर्फ 20 डिग्री है, मतलब 30 to 50 डिग्री तक मूवमेंट है, उसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, पास आइए एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक इसका चीरा है ना, ये स्किन का इंसिजन है, पटेला फ्री है, पटेला मोबाइल नहीं है, बट नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिलीज करेंगे अच्छे से, और बेंडिंग करने का ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन होगा, सीधा कितना होगा उसका आंसर नहीं है, पर बेंडिंग होना चाहिए ये हम ट्राई करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेज में इनका हो सकता है कि रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना पड़े। तो अगर एक्सरे देखेंगे तो ये इनका एक्सरे है अभी का, ये वाली जो कार्टिलेज है ये पूरी खत्म हो गई है ना, ये वाली कार्टिलेज तो ठीक है, बट ये वाली कार्टिलेज पूरी खत्म हो गई है, तो ये नेक्स्ट स्टेज में होगा। हड्डी जो है वो मोटा मोटा कच्चा पक्का जुड़ गई है, तो ये हम काम करेंगे अभी। थैंक यू। दिवाकर जी, दिवाकर जी का हमने स्टार्ट किया था, तो बेंडिंग अप्रोक्सीमेटली इनका ये घुटना यहाँ से लेके यहाँ तक ही मुड़ता था। 30 डिग्री to 45 डिग्री मोमेंट था। अब जो है हमने इनको घुटने को सीधा भी कर दिया है ना, ऑलमोस्ट ये चिपक गया है पूरा अभी जो है, और मोमेंट में ये अप्रोक्सीमेटली ये हम लोग ने 150 डिग्री लाया हुआ है। लास्ट के 20-30 डिग्री बेंडिंग बचा है, वो नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, ये ठीक है ना। तो ये फुल एक्सटेंशन और अराउंड अबाउट 150 डिग्री मूवमेंट है ना। ओके दीपाकर जी, थैंक यू।